हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। आज से हम एक नई सीरीज, एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम स्टेट वाइज जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका रिव्यू करने वाले हैं। स्टेट वाइज सभी मेडिकल कॉलेजेस को कवर करेंगे। मैंने पहला स्टेट, एक प्यारा सा स्टेट चुना है जिसका नाम है राजस्थान। अब राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। एक बार ऑल ओवर इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम प्राइवेट को भी कवर करेंगे, लेकिन मेन प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की रहेगी। पहले बता देता हूँ कि इन वीडियोस में हम क्या क्या देखने वाला है। जो भी मेडिकल कॉलेज रहेगा, जैसे कि आज का हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज, जो कि जयपुर में लोकेटेड है, उसका कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले इसका कुछ ओवरव्यू जानेंगे, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स, कैसी कैसी इसके साथ कनेक्टिविटी लगती है, फीस स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है, टोटल इसमें सीट्स कितनी है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब की बार 21 के फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रही है वो कट ऑफ मैं आपको हर एक कॉलेज की देने वाला हूँ, ताकि 2022 में या फिर 2023 में उसी के अकॉर्डिंग आप इस कॉलेज को टारगेट कर सके। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इन कॉलेजेस के थोड़े ओवरव्यूज। ये जो कॉलेज है वो स्टेब्लिश हुआ था 1947 में, तो कितना पुराना है ये आप बिल्डिंग देखकर भी समझ सकते हैं और ये इन ईयर देखकर भी समझ सकते हैं। उसके बाद ये एक पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तीसरी, इसमें टोटल फैकल्टीज की बात करें तो अप्रोक्स 600 फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। इसमें जो 600 फैकल्टीज जो है वो अवेलेबल है, और अब तक जो टोटल इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर है 2390। 2390 स्टूडेंट्स ने अब तक जो है वो इनरोल इसमें किया है। उसके बाद लोकेशन की बात करें तो जयपुर राजस्थान में ये जो कॉलेज है वो लोकेटेड है। ठीक है, रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग जो है वो NIRF रैंकिंग इसकी 91st है ओवरऑल कैटेगरी में, तो काफी अच्छी रैंकिंग ये रखता है NIRF रैंकिंग में। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज है, तो NIRF रैंकिंग और फैसिलिटीज वगैरह तो बेहतर होनी ही है। बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। तो कनेक्टिविटी में अगर हम देखें तो लगभग 5 किलोमीटर दूर है जयपुर जंक्शन से, यानी कि जयपुर रेलवे स्टेशन से, और लगभग 5 किलोमीटर ही दूर है जयपुर के मेट्रो स्टेशन से, तो काफी बेहतर कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 9.3 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्सेज की कि कौन कौन से कोर्सेज में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहला MBBS, और इसके ब्रैकेट में मैंने सीट्स भी लिख दी है कि कितनी सीट्स हैं, तो MBBS की टोटल इसमें 250 सीट्स हैं। उसके बाद MD का एनेस्थियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसकी 76 सीट्स है। MS की जो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी की जो डिपार्टमेंट है उसकी 69 सीट्स है। MD का जनरल मेडिसिन की जो डिपार्टमेंट है उसमें 60 सीट्स है, और MS की जनरल सर्जरी की जो डिपार्टमेंट है उसमें इसकी 40 सीट्स है। तो ये जो कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा आपके नर्सिंग भी है, फार्मेसी है, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनमें कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात की जाए तो एक तो नीट UG का एग्जाम होता है, जिसमें UG के जितने भी कोर्सेज रहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नीट PG का रहता है, जिसके थ्रू आप PG के जितने भी कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा आपका नीट का सुपर स्पेशलिटी एग्जाम रहता है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो ऑन एन एवरेज टोटल MBBS की मैं आपको फीस बताने वाला हूँ, 16 से 17 लाख टोटल 4.5 साल की जो फीस है वो 16 से 17 लाख आपको जो है वो पढ़ने वाली है। कितनी? 16 से 17 लाख टोटल आपको फीस जो पढ़ने वाली, टोटल हॉस्टल भी है इसमें, ट्यूशन फीस भी है, टोटल इंक्लूडेड है सब कुछ। 16 से 17 लाख में आपका 4.5 साल का जो MBBS कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपके एक्स्ट्रा खर्चे को छोड़कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटीज काफी सारी मिल जाती है। ओल्ड कॉलेज है तो फैसिलिटीज वैसे भी काफी सारी यहाँ पर अवेलेबल्स है। बॉयज हॉस्टल मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल भी है, जिम मिलेगा आपको, लाइब्रेरी भी मिलेगी, स्पोर्ट्स की काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, मेडिकल हॉस्पिटल की फैसिलिटी,
आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लेबोरेटरीज है, स्विमिंग पूल है और एलुमनी एसोसिएशंस की फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो काफ़ी एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो आपको इस मेडिकल कॉलेज का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ मार्क्स की, कि 2020 में और 2021 में इसके जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रही थी। बात करें 2020 में तो इसकी ओपनिंग रैंक रही थी 82 और क्लोजिंग रैंक जो रही थी वो रही थी 1212, इसकी जो है वो क्लोजिंग रैंक रही थी। अब 2021 में अगर बात करें 15% की, तो इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 718 रही है, ठीक है रैंक है ये। और 2021 के 85% स्टेट कोटा की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक रही है 1628 ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1628 जो है वो इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है और कट ऑफ तो राजस्थान की वैसे भी हाई देखने को मिलती है। मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो 670 मार्क्स इसकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही है, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ठीक है इसके अलावा कट ऑफ थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ही मैं सभी कॉलेजेस में आपको बताने वाला हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू रहा है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान का। एक शॉर्ट और स्वीट वीडियो मैंने इसके कॉलेज की कॉलेज रिव्यू पर दी है, बाकी इतनी ही इंफॉर्मेशन अपने एक कॉलेज के बारे में चाहिए होती है अगर हमें उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो बाकी राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी की वीडियोस आने वाली है, और बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स को भी आने वाले कुछ ही महीनों में हम कवर कर लेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस रहेगी उनमें मैं वो चेंजेस या फिर वो ऐड ऑन जो है वो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।